तो हम लोग अभी उसके आगे की पढ़ाई करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब हमें याद होगा जो उन्होंने डिस्कस किया था। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हेन बॉडी एट नेट फोर्सेस जब जीरो हो जाते हैं, उसमें ऐसा नहीं सोचना है कि फोर्स कोई नहीं लगता है, फोर्स लगते हैं लेकिन फोर्स का नेट रिजल्ट जीरो होता है। कई फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, उन सबका नेट रिजल्ट अगर जीरो होगा तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है। अधिकतर जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे अपने कोर्स के में, उसमें आप देखेंगे नॉर्मली तीन फोर्सेस का जिक्र होगा नॉर्मली, बाकी तो और भी लग सकते हैं। ठीक, तो उसमें कुछ छोटी मोटी थ्योरम्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है बहुत आसान जो आपसे हम डिस्कस कर लेंगे सॉरी, और उसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि तीन फोर्सेस हमने इस तरीके से लगाए हुए हैं, इसको लामीज थ्योरम भी बोलते हैं। F1, F2 और F3, और इस समय ये जो बॉडी है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है, कोई मूवमेंट नहीं है इसके अंदर, रुकी हुई बॉडी। उस केस में अगर हम मान लें, अगर हम इसको F1 कर दें सरल भाषा करने के लिए, लिखने में आसानी हो, और इस एंगल को बोल दें अल्फा, इसको बोल दें बीटा और इसको बोल दें गामा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उनका कहना था कि इनका जो रेशियो होता है F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 के अपोजिट एंगल जो है उसका साइन अल्फा, F2 के अपोजिट वाला साइन बीटा और F3 के अपोजिट वाला साइन गामा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये रेशियोज बराबर होते हैं। ये लामीज थ्योरम है, एक समय में मैथमेटिक्स में काफी यूज की जाती थी, आजकल मैथ्स में एक कोर्स में नहीं है। ठीक, तो लामीज थ्योरम क्या बताती है कि अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तीन से ज्यादा होंगे तो टुकड़े निकालने पड़ेंगे, तो कैसे ये जो फोर्स है ना, ये इन दोनों को कैसे बैलेंस कर रहा होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसी के अपोजिट ऐसे आ जा रहा होगा, किसका? F1 और F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है इस तरीके से निकल रहा होगा, और ये रिजल्टेंट को बैलेंस कौन कर रहा है? F1। इस तरह इन दोनों के रिजल्टेंट अगर ले लें तो उसको ये बैलेंस कर रहा है, इन दोनों को ले लें तो ये F3 बैलेंस कर रहा है। तो पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है। तो ये थ्योरम अप्लाई होती है जिसे बोलते हैं आप लामीज थ्योरम। ये थ्योरम ट्रायंगल फॉर्म में भी अप्लाई होती है, अगर ये ट्रायंगल है इस तरीके से और ये फोर्स है F1, ये है F2 और ये है F3, तो F1 के सामने वाला अल्फा, F2 के सामने वाला बीटा, F3 के सामने वाला गामा, तो इस तरीके का भी फॉर्मेट है तो भी ये थ्योरम ऐसे अप्लाई हो जाएगा। बाकी ये तो लामीज थ्योरम है जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिफाइन कर देती है तीन फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में। अब एक और होता है जो आप बात करते हैं कि पॉलीनोमियल पॉलीगन टाइप, लॉ ऑफ पॉलीगन, वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, तो लॉ ऑफ पॉलीगन की बात अगर हम लोग करें तो उसमें क्या बनाते हैं हम लोग कि कोई फोर्स लगा ऐसे, दूसरा फोर्स ऐसे, तीसरा फोर्स ऐसे, चौथा फोर्स ऐसे, पांचवा फोर्स ऐसे और छठा फोर्स ऐसे, अगर यहाँ ओ से शुरू हुए और घूम फिर के हम लोग यहीं पहुँच गए किसी पॉलीगन के हिसाब से, तो हम क्या बोलते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स इस पे जीरो है। इस तरह से अगर फोर्सेस लगे हैं तो हम बोलते हैं ये क्या है, लॉ ऑफ पॉलीगन, तो उसमें बोलते हैं फोर्सेस का नेट रिजल्ट जीरो है। बात समझ में आती है? अब इसमें अगर एक बात ये की जाए कि मान लीजिए फोर्सेस यहीं तक पहुंचे, ये आर्म अपने पास नहीं है, ठीक, तो क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स जीरो है? नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं है, बल्कि ये जरूर हम कह सकते हैं कि जहां से हम चल के पहुंचे हैं उसमें लास्ट वाले पॉइंट को इससे अगर ज्वाइन कर दीजिए आप, तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, क्योंकि अगर ये यहां पर ऐसे बन जाता तो जीरो हो जाता, यानी ये पोर्शंस बाकी सबके बराबर है। फिर से एक बार, अगर यहां पर ये मौजूद होता तो आप क्या बोलते कि नेट फोर्स जीरो है,
अगर ये मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये जो टुकड़ा है, ये जो वेक्टर फॉर्म है, ये इन सब के बराबर है, तभी तो ये आने से जीरो हो गया था। तब कोई चीज है और किसी को लगाने से वो जीरो हो रहा है, तो ये बाकी के बराबर है, तराजू पे तोल लें बराबर है, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में खींच दिया तो इक्वल हो गया, उसको नलीफाई कर दिया, ये रिजल्टेंट आ गया। ऐसे ऐसे बनता तो बराबर होता, उल्टा कर दिया तो रिजल्टेंट हो गया। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस जो बना, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं ये। अब कुछ न्यूमेरिकल्स छोटे मोटे हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं उससे हम कितना कर पाते हैं, फिर इस गाड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। और या तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, है ना, या वेक्टर फॉर्म खींचेंगे तो निकलेगा यहां से, ये लॉ है, इसको लॉ के फॉर्म में पढ़ लेते हैं हम लोग। अगर कहीं हम ज्योमेट्रिकल यूसेज बना रहे हैं तो निकल आएगा, या सवाल में ऐसा एंगल एंगल दिया होगा जिससे हम निकाल पाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें क्वेश्चन ऐसा बना होगा जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और भाई ज्योमेट्री अगर बना रहे होंगे तो ज्योमेट्री से नाप सकते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि इसके बाद इसका एक लास्ट पोर्शन शुरू होगा जो कल हम पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मोशन का। और वो फ्रिक्शन के बारे में दो क्लासेस लगेंगी लगता है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक। तो कुछ छोटे मोटे सवाल हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं क्या बन सकता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा समझिए और देखिए आपसे कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और पढ़ रहे होंगे तो जरूर बनेगा, और वरना नहीं बनेगा तो करेंगे हम लोग कर लेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो। ये बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बस है, सब लोगों ने बस देखी है, चल रही है बस। क्या एक्सेलेरेशन दिया है बस का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलेरेशन है। एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद बस की खिड़की से एक पत्थर गिराया जाता है। थोड़ा और समझाने के लिए मान लीजिए ये बस है, इस बस में खिड़कियां बनी है ऐसे, इस बस की जब बस चल रही है 10 सेकंड पे, जब चलनी शुरू होती है 10 सेकंड बाद, यहां रेस्ट में थी, रेस्ट से चली, और टी इज इक्वल टू 10 सेकंड बाद इसमें से पत्थर गिराया गया। ये पत्थर किसी लड़के ने ऐसे गिरा दिया, जो भी लड़का लड़की जो भी बैठा हुआ है उसने स्टोन गिराया। एट 10 सेकंड स्टोन इज ड्रॉप आउट, ड्रॉप मतलब ऐसे ही छोड़ देना, कहा गया। और विंडो ऑफ बस विच इज 2 मीटर हाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, किस कितनी वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट 10.2 सेकेंड। दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, जरा दिमाग दौड़ाइए, देखिए कैलकुलेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज 10.2 सेकंड पे है, तो इसको मैं यहां ना लिख के यहां लिखना चाहिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एट टी इज इक्वल टू 10.2 सेकंड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी 10.2 पे चाहिए और एक्सेलेरेशन भी 10.2 पे चाहिए। जो स्टूडेंट निकाल लेगा उसको एक पेन गिफ्ट किया जाएगा, गिफ्ट नहीं प्राइज दिया जाएगा। तो देखें, है सरल सवाल लेकिन कौन अपनी बुद्धिमानी का परिचय देता है ये तो दिखेगा। अभी देखिए कैसे होगा ये, जब ये बस चल रही थी उस समय इसके बाद एक्सेलेरेशन कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलेरेशन हो गया बस का, पत्थर भी बस में है, हाथ में है, इसलिए पत्थर का एक्सेलेरेशन भी उस समय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
जब पत्थर को छोड़ा जाएगा तो इसमें पत्थर को एज्यूम कीजिए, पत्थर पे एक इधर का एक्सेलेरेशन मिल रहा है और एक नीचे वाला जब आपने छोड़ा तो किस तरह ये गिरेगा, ये जो ऐसे सीधे नहीं गिरेगा, दो फोर्सेस लगे ना इस पे, एक स्मॉल जी इधर ए इधर, तो ये ऐसे गिरेगा प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप से, ठीक है। प्रोजेक्टाइल भी नहीं कहना चाहिए लेकिन मोशन ऐसे ही लेगा ये। अब इस मोशन अगर ऐसे लेगा और टी यहां पे कितना था, टी था यहां पे 10 और यहां पे टी कितना है 10.2, ये टी के दो हमने फैक्टर कर लिए, वी वर्टिकल और वी एच। अब यहां पर जो वी एच वी होगी यही वी तो यहां होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पड़ा था हॉरिजॉन्टल वाला नहीं बदलता था, ठीक है। इस वर्टिकल वाले में चेंजेस होंगे क्योंकि वर्टिकल वाले की जो वेलोसिटी यहां है, यहां पर इस समय आने में इतना इतना चल चुका है ना, इतना ऊपर गिर चुका है, इतना जब इतना गिर चुका है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, तो दोनों वेलोसिटी हम निकालेंगे और दोनों का रिजल्टेंट निकाल के वीटी फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम पता करते हैं इस समय यहां जब पहुंचा था टी बराबर 10 पे तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी जब बस में स्टोन लेके चल रहा था, तो हमने निकाला फॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये बस जिस टी 0 से टी 10 तक आई है तो बस की जो वेलोसिटी होगी वही पत्थर की वेलोसिटी होगी, पत्थर उसी के अंदर है, तो हमने लगाया v इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल u प्लस at। h u कितना था बस का, 0 था शुरू में, बस का एक्सेलेरेशन कितना था 4 और टाइम कितना लिया 10 सेकेंड बस ली चलने में 0 से चल के, तो वी एच कितना मिला हमें 40। ये बात समझ में आई? अब हम वर्टिकल वाले की बात करते हैं, जब हमने यहां पर छोड़ा तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी 0 और 10.2 सेकंड पे कितनी थी ये फाइंड करना है, फिर हमने लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू कितना था 0, जी था 10 और टाइम कितना 10 पे छोड़ा 0.2 चला तो 0.2 सेकंड, 0.2 ही तो ड्रॉप हुआ है, माइनस में क्यों होगी, नीचे ही तो लग रही है, नीचे गिरा रही है आप, बढ़ रही वेलोसिटी ना, तो वैल्यू कितनी आई इसकी 2 वर्टिकल कंपोनेंट। अब वी टी कितना होगा, द वी रिजल्टेंट अंडर रूट वी एच का स्क्वायर प्लस वी वी का स्क्वायर, तो वी एच का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, अंडर रूट 1604, करीबन 400 के आसपास आएगी वेलोसिटी, इसका रूट जब निकालेंगे तो कितना आएगा ये 40 के आसी पास आएगा, क्योंकि 40 का 1600 होता है ना, तो इट विल कम अराउंड 40 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 4 तो बहुत छोटा है, ठीक है, तो 40.01 कुछ ऐसे करके आते हुए दिखेगा या और कम, समझ में आ रहा है? तो ये वेलोसिटी कब है, ये 10 टी इज इक्वल टू 10.2 सेकंड पर। ये देखिए पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आना जरूरी है चाहे कि सवाल लगे, वर्षा समझी, मेघा कहीं डाउट, वर्णिता आयुषी समझ गई है, किसी को डाउट हो आप इधर लड़कों में, आप अनुराग समझे? अभी बात एक दूसरी बची हुई है एक्सेलेरेशन वाली, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा स्टोन का जब आपने छोड़ा, तो इसका एक्सेलेरेशन जी होगा, जी जब छोड़ दिया तो बस वाला एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा लेकिन जी तो लग रहा, तो इसका एक्सेलेरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन। बात समझ में आई? तो जी कितना होगा सेकंड पार्ट इसका, जी बराबर 10, बस वाला एक्सेलेरेशन खत्म हो चुका है, भी बस से हाथ से छोड़ दिया गया है, ये सवाल बना, नोट कर लीजिए इसको।
जरा निकालिए। एम भी निकालना, एक्सेलेरेशन ऑफ एम और टेंशन, दोनों चीजें निकालनी। बड़ा बेसिक सवाल है, अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ा इसलिए किताब के सवाल हम नहीं लिख पा रहे क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है उसके अंदर। जब तक फ्रिक्शन पढ़ लें तब तक वो सवाल नहीं किए जा सकते। ये विदाउट फ्रिक्शन वाला है, इट इज़ ए बेसिक बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने पढ़ने पलटे हैं पहले कुछ समझा है तो ज़रूर करेंगे, वरना थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अच्छी बात है, क्या चलिए जो देखिए ये कैसे करेंगे, थोड़ा सवाल बनाइए, इधर देख लीजिए। देखिए पहले ये m1 के लिए लेते हैं, तो m1 पे क्या है, मान लेते हैं इस पूरी बॉडी का एक्सलेशन a है, जितना एक्सलेशन इसका होगा उतना ही इसका होगा, एक डोरे में बंधे हुए हैं, तो लेट द एक्सलेशन इज a, अगर a एक्सलेशन है टी फोर्स है तो टी एफ इज इक्वल टू एम ए, तो टी इज इक्वल टू एम वन की जगह टेन और ए की जगह हमको मालूम नहीं, ये टेंशन का पहला 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 इक्वेशन निकला, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एम टू के लिए फ्री बॉडी डायग्राम यूज करेंगे, इसके लिए फ्री बॉडी फ्री कर दिया सबसे, तो एम टू नीचे आएगा ना, अगर नीचे आएगा तो नीचे क्या क्या काम हो रहा है, नीचे एक तो उसका वेट लग रहा है नीचे एम जी एम टू जी, और ऊपर कौन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, टेंशन, लेकिन आफ्टर ऑल ये जा कहाँ रहा है, नीचे, तो वेट ज्यादा है, यानी एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए, ये समझ में आया कि नहीं, एम टू जी नीचे माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए। अब M2 की वैल्यू पता है 5, G माइनस टी बराबर 5A, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन में T और A है, दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर ले लेना है, तो हम क्या करते हैं T की वैल्यू 10A रख देते हैं इसमें, तो T की वैल्यू 10A रख दी, क्या हुआ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमको एक चीज का जवाब चाहिए आपसे, जब ये गिरेगा तो रोकेगा कौन आपके हिसाब से, ये इसका इसका वेट किधर लग रहा है, वेट किधर लगता है, हाँ अब बताओ सोच के, वेट लगा इधर और मेज पे रखा तो मेज ने इसको कर दिया बैलेंस, इस तरफ वेट का कोई असर हुआ क्या, अगर ये फ्रिक्शनलेस है, देखिए आपने पॉइंट उठाया तो हम समझा देते हैं, मेरी भाषा समझ पा रही है ना, ये टेबल का टॉप है, ये ब्लॉक है, अभी हमने आपसे बोला कि टॉप फ्रिक्शनलेस है, अगर फ्रिक्शनलेस है तो ये खिसक जाएगा आराम से, चिकना है, एब्सोल्युटली चिकना, आपने यहां पर पुली लगा दी और कोई चीज लगा के लटकाया, जब आप लटकाएंगे कितना भी भारी रख दें इसको नीचे जाना ही जाना है, हिमालय पर्वत भी रख देंगे तो भी जाना है नीचे, क्यों, क्योंकि हिमालय पर्वत तो इस पे वजन डाल रहा है, इस तरफ कहां वजन लगा रहा है, तो इस सरके का तो है ही है ना, इसमें जो वजन डाल रहा है उसका रिएक्शन मिल रहा है, ब्लॉक जो रखे उस पर रिएक्शन मिल रहा है, वो बैलेंस हो रहा है, हम ऐसा कैसे सोच पाते हैं, क्योंकि यहां फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वैल्यू अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, म्यू इंटू आर होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर होता है उसका नॉर्मल रिएक्शन, तो जो चीज हम रखते हैं उसका जो आर मिलता है, आर तो वही होगा जितना इसका वेट है उसी का अपोजिट आर, तो म्यू आर, आर ज्यादा तो म्यू आर बड़ा, तो म्यू आर का वजन लगता है इसके अपोजिट, तब वो रुकता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कोई चीज हमको नजर नहीं आती जिसमें फ्रिक्शन ना हो, तो प्रैक्टिकल करने जाएंगी तो ये रोकेगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन है यहां, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं।
ये जो टॉप है, ये जो बॉडी रखी ना, इसका वजन नीचे काम कर रहा है और वो आर से बैलेंस है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये या तो नीचे घुस जाती या ऊपर उड़ जाती, अगर बैलेंस ना होता। नेट फोर्स होता, और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता उसमें एक्सेलरेशन होता, चल पड़ती चीज, ठीक। इस डायरेक्शन में इस वाले वेट का कोई असर नहीं है। असर होगा अगले लेक्चर में जब फ्रिक्शन मौजूद होगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक रिजल्ट देता है म्यू आर। अगले क्लास में देखेंगे, म्यू होता कांस्टेंट, आर होता रिएक्शन, तो म्यू आर ज्यादा होगा तब रोकेगा ये। तो प्रैक्टिकल लाइफ में म्यू आर रहता ही रहता है, इसलिए अपने को लगता है वजन डाला तो रुकेगा, घिस घिस के चलेगी। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला एग्जाम्पल नहीं है, लैब वाला किया, फ्रिक्शनलेस बॉडी। तो फ्रिक्शनलेस अगर है तो इस डायरेक्शन में कोई भी उसका फैक्टर काम नहीं करेगा। बात पकड़ पा रही हो कि नहीं आप? वरिंदा समझी, आप समझे? सभी लोग समझे जो बोल रहे हैं? क्योंकि वजन तो डायरेक्ट नीचे रखता है, वो अपने साइड में थोड़ी असर डालता है। अगर हम खड़े हैं और आप मेरे बगल में खड़े हो जाइए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, और आप और हम जरा सा बस टच कर रहे हो, तो क्या आप धक्का खा जाएंगे हमसे? क्या हम, क्या आप दबने लगेंगे हमसे? नहीं, क्योंकि हमारा वजन किधर लग रहा है? हम 100 किलो के हैं, आप तो मुश्किल से 25-50 किलो की हैं, है कि नहीं? तो आप पैर मेरा पड़ जाएगा तो आप कहेंगे अब तो गए हम, ऐसे तो टच होने पर तो नहीं गई, टकरा जाएंगे तो झटका लगेगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा, एम इंटू वी मेरा काफी ज्यादा है, एम ज्यादा है। अब हाथी टकरा जाएगा तो चूरमा निकल जाता है अपना, क्योंकि हाथी बहुत बहुत टनों का रहता है, समझ में आ रहा है? और खरगोश दौड़ते दौड़ते लड़ता है तो उतना ही परेशानी होती, और खरगोश की जगह अगर गाय लड़ जाए तो, गाय तो ऐसे ही लड़ा करती हैं, आप देखते ही हैं, बहुत रहती सब। बात समझ पा रहे हैं क्या बता रहे हैं? तो यहाँ तुम बेटा ममता, कोई क्वेश्चन कहाँ गए? ये हुआ अब ठीक है? ये नहीं रोक पा रहा है, इसको फ्रिक्शन नहीं है उसके पास। हम चल क्यों पाते हैं जमीन पे? क्योंकि फ्रिक्शन होता है, अगर फ्रिक्शनलेस होगी तो धड़ाम से गिर जाएंगे। हम अपने पैर से फोर्स मारते हैं पीछे, और ये देखिए पैर चपक रहा है नीचे तभी लग पा रहा है। अगर ये फिसल जाए, बारिश हो जाए, कीचड़ हो जाए, आप लगाएंगे तो धम्म से चारों खाने चेत। या एक बार हजरगंज में लग गई थी बड़ी चिकनी टाइल्स, वहां पे लोग बहुत गिरते थे, फिर उखड़वा के दूसरी लगी। मायावती ने अपने जमाने में बहुत चिकनी टाइल्स लगवा दी, इसको मैं पेरिस बना दूंगी, और उस चक्कर में इतनी चाइल्ड टाइल्स लग गई कि ऐसे ऐसे लोग चलते थे, ऐसे ऐसे कि कहीं धुड़ खूब गिरते थे। हम भी दो बार झटके खाए, वहाँ दो बार फिसले, हमने कहा ऐसी तेजी पे चले कौन, डेंजर। मतलब उसको चमकदार बनाने के लिए इतना इतना ज़्यादा फ्रिक्शनलेस टाइल्स लगा दी गई कि आप स्लिप हो गए, लुढ़क रहे हैं, और कोई पानी डाल दे तो पक्का गए आप। तो बताइए मार्केट में अगर गिरने लगेंगे तो मार्केटिंग करने जाएगा कौन? कोई खरीदने नहीं जाएगा। स्कूल में आपकी क्लास में शीशा लगा देंगे तो धड़ाम धड़ाम गिरेंगे आप, पढ़ेंगे वहां। तो ये इक्वेशन समझ में आई कैसे बनाई हमने? अब इस इक्वेशन में वैल्यू रखी, ये इधर गया तो आया 15A = 5G। जी की वैल्यू समझने के लिए 10 ले लेते हैं, तो ए कितना हो गया 10/15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। एक्सलेशन कितना मिला? सही किया है ना? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ गई, ये की, चलिए अच्छा है, 5 से किया तो 10/3, यानी 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलेरेशन आ गया, आया समझ में? अभी एक दूसरे कहानी बचा है, टेंशन। टेंशन बहुत टेंशन देता है हम लोगों को, लेकिन यहाँ टेंशन नहीं दे पा रहा है क्योंकि हमने उसको मैनेज कर लिया है। 10 और एक एक कितना था 10/3, तो आंसर आ गया 100/3, यानी कि 33.33 न्यूटन। ये टी निकल आया, ए निकल आया। अब यहीं पे अगर देखिए, ये सवाल आप जब नहीं लगाएंगे ना तो एग्जाम में आएंगे तो नहीं लगेंगे, डर जाते हैं क्योंकि ऐसा फोटो तो बना रहता है कि घबराहट होती है देख के। लेकिन 2-4 सवाल लगा लेंगे तो हमारी फिर पेन खाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर पूरा पेन निगल सकते हैं, हजम कर सकते हैं। जैसे किसी कोई प्रैक्टिस पेन खाने की करना चाहे तो पहले छोटा पेन खाए, फिर बड़ा पेन खाए, फिर हो जाए तो पूरा पूरा
स्टेशनरी की दुकान पे जाए कि खाना मुझे पेन दे दो, 3-4 सेट पूरा पेन सा बंदर गुड़ूप 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 गुड़ूप, बढ़िया। तो ये भी टैलेंट हो सकता है, गिनीज बुक में नाम आ सकता है, पेन खाने वाली लड़की, फोटो छपे पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा बड़ा, ट्रॉफी मिल रही है बगल में, मुंह में पेन लगे हुए 4, आई कैन ईट आई कैन च्यू। तो प्लीज ना खाएं पेन, पेन वाले पेन को अपना काम करने दें, लिखेगा कौन बेचारा उससे। एनीवे ना खाइए, समस्या हो सकती, क्या बोल रहे थे, ठीक है। तो ये बात समझे आप, इसमें क्या होगा, ऐसे जब डायग्राम्स आएंगे तो उसमें पहला जो असर आता है जो अभी हम समझा रहे थे उस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसा फोटो बना, पुली बना और ऐसा लगाया, इसी में क्या कर देंगे अगला लेक्चर पढ़ने के बाद हम लोग आपको कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे देंगे। मान लीजिए दे दिया वैल्यू इसकी 0.6 या 1.5 कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, और पूछेंगे आप बताइए तो ये जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू बनती है म्यू आर, पढ़ेंगे देखेंगे। तो ये जिस डायरेक्शन में मोशन होता है फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर मोशन इधर होने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो इस डायरेक्शन में वैल्यू लग जाएगी कितनी, म्यू आर। म्यू है 1.5 और आर कितना है एम जी के बराबर 10 × g, है ना। तो अब जब यहां पे एक्सेलरेशन लेने जाएंगे आप तब ये फोर्स भी पिक्चर में आ जाएगा, है ना। अब इस पे जब फोर्स लगाने की बात करेंगे तो जब ये मूवमेंट लेंगे आप तो मूवमेंट में आपको घटानी पड़ेगी वैल्यू, तब निकलेगी वैल्यू, करेंगे वैसे सवाल भी। बात समझ पा रहे हैं ना, क्या इसमें तो एक्सेलरेशन कुछ था नहीं, यहां पे क्या करेगा, एक फोर्स इधर लग रहा बाकी एक्सेलरेशन इधर, तो ए में से फोर्स में से घटेगा ना, नेट फोर्स में से ये म्यू आर घटेगा तब बचा हुआ फोर्स काम कराएगा उसको। समझ पा रहे हैं मेरी भाषा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं।